एक व्यापारी बंजारा एक ओटरा ने अने एक कोतरा नु पाली राख्यो हतो। शेरा रूपाड़ू साहसी अने बहुज वफादार हतो। ते शेरा ने साथे रही ने ते हर पर तेना सामान ने रक्षा करतो हतो। एक बार बंजारो पोताने ओटरा उपर सामान लादी ने जंगल थी पसार थतो हतो। एकदम थी एना हामे टाइगर आवी गयो। शेराए गुर्रायो अने भोकवा लाग्यो। टाइगरे शेरा उपर आक्रमण करवा माटे छलांग लगाड़ी अने शेराए पोतानी जग्या थी भागी गयो अने चीता ने वार विफल थई गयो। बंजारा ना डंडा टाइगर ने पीठ पर पड़ियो अने ते बे त्रण वार लुटकी गयो। शेरा सातवी नी वार करजे। शेराए टाइगर ना पीठ पर काईड़ी लीधो। टाइगरे शेरा नो पंजो मारी नाख्यो। टाइगर फरी थी शेरा उपर वार करवा जतो हतो। ओटराए पोतानी मोढ़ा थी टाइगर नी पूछड़ी पकड़ी लीधी। बंजारो नो डंडो फरी थी चीता ने पीठ उपर पड़ियो अने शेराए पण चीता उपर वार करी नाख्यो। चीता नीचे पड़ियो, फड़ी उठ्यो, फड़ी पड़्यो अने भागी गयो। वाह शेरा, तू खरेखर बहादुर छे, ते तो आज कमाल करी दीधो। बंजारा ना व्यापार मा बहु घाटो लागी गयो। तेनी सामान खरीदवा माटे पैसा नी बहुत जरूरत हती। एना माटे ते एक व्यापारी ना पासे गयो। सेठ जी, मने थोड़ा पैसा नी जरूरत हती, हुं तमने जल्दी पैसा आपी देश। तमारा पासे कोई घरेणे मुकवा जेवू सामान छे? सेठ जी, मारा पासे घरेणे मुकवा जेवू तो कई नथी छे। तमे आ बहादुर कूतरा ने गिरवी मुकी शको छो। बंजाराए विचारवा लाग्यो। ते बंजाराए मजबूर थईने शेराने ते व्यापारने घरे मुक्यो। साहूकारे रुपया आप्या। एक रात्रे साहूकार ने त्यां चोर आवी गयो। तेमना पासे हथियार पण हता। ते चोरी करी रह्या हता अने शेरा चुपचाप जोवतो हतो। चोरो सामान बधु भेगू करीने बाहर निकली गयो। शेरा संताई संताई ने तेना पाछळ चालतो हतो। ए चोरोए चोरी ने सामान झाड़ ने नीचर गड्ढो खोदी ने संताई नाख्यो अने ऊपर थी माटी अने पातळा नाखी दीधो। एना पछी ते त्यांथी जता रह्या। सवार थई अने घरनी बधी वस्तुओ वखरेली जोईने जोर जोर थी व्यापारी बूमो पाड़वा लाग्यो। हे भगवान, आ शुं थई गयुं? चोर बद्दुज माल लई गया, हुं बर्बाद थई गयो। ए शेरा पण कई काम नो नथी, कदाच ए रातमां भोकतो तो चोर चोरी ना करी शकता। थी आवीने साहूकार ने कपड़ा मोढ़ाथी खींचवा लाग्यो। हावे मारा कपड़ा पकड़ीने केम खींचे छे? जो तो ए तमने क्यांक ले जावा मांगे छे। साहूकार शेरा ना इशारा पर पाछळ पाछळ चालवा लाग्यो। शेरा तेज झाड़ ने नीचे जाइने उभो रही गयो ज्यां चोरोए बधुज माल संताई नाख्यो हतो। ते पोताना पग थी त्यानी माटी खींचवा लाग्यो। साहूकारे नौकर नो इशारो कर्यो अने त्यांथी बधुज माल काढ़ी नाख्यो। साहूकार पोताने सामान लईने बहु खुश थई गयो। अरे वाह शेरा, तू तो खरेखर कमाल करी दीधू। અમારું બધું માલ અપાવે ને અમને માલા માલ કરી દીધો। સાહુકારે વરજારાના નામે એક પત્ર લખ્યો જેમાં વરજારાને તારીફ કરતા લખ્યું કે મારો બધું જ ચોરીને માલ વાપસ કરાવી દીધો, હું એને આઝાદ કરું છું, મને તમારાથી કર્જના પૈસા નથી જોતા। સાહુકારે તે ચિઠ્ઠી શેરાના ગળામાં બાંધી દીધી। બહાદુર શેરા, જા તને મેં મુક્ત કર્યો, હવે પોતાના માલિક પાસે પાછો જતો રહે। શેરા રસ્તા પર દોડતો જતો હતો કે વચ્ચે જ બંજારાએ તેણે જોઈ લીધું। બંજારાએ વિચાર કર્યો કે સાહુકારને ઘરેથી ભાગીને પાછો આવી ગયો, એને બેવફાઈ કરી, મારી નાક કપાઈ નાખી, સાહુકાર મારા વચ્ચે શું વિચાર કરતો હશે। તેઓ જલ્દબાજીમાં આવીને આગળ પાછળને કોઈ વિચાર ના કર્યો અને દંડો લઈને શેરાને મારવા લાગ્યો। એકદમથી તેનું ધ્યાન એ ચિઠ્ઠી પર ગયો। એના હાથ ચિઠ્ઠીને જોઈને રૂકી ગયો। તેને ચિઠ્ઠીની વાંચી તો બધી જ હકીકત જાણી લીધી। તે બહુ પછતાવા લાગ્યો અને પોતાની મૂર્ખતા ઉપર કોસવા લાગ્યો અને શેરાને ભેટીને બહુ રડવા લાગ્યો।
मैं वगर विचार करे शेरा ने बहु मार्यो, पोताने क्यारे माफ ना कर शकू। ते डंडा थी पोताने मारवा लाग्यो। शेराए उभो थईने ते डंडा ने पकड़ी लीधो। एना पछी वफादार शेरा पूछड़ी हिलावा मांडियो। शेरा ने सही सलामत जोईने वंजारो हसवा लाग्यो। सीख, अमने वगर विचारीने कोई काम ना करवू जोईए, नहींतर बादमां बहुज पछतावू पड़े। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.